Hello guys, welcome back. This is Ankit Shivan and thanks for subscribing my channel. Thanks for your love and support. So guys, आज मैं अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ आपके सामने एक रेजिस्टेंस बैंड की, जिसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले परचेज किया है. एक्चुअली क्या उसके पीछे भी कहानी है, मैं वर्कआउट कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा जो रेजिस्टेंस बैंड है, ये मेरा पुराना रेजिस्टेंस बैंड है जिसे आप देख सकते हैं, तो ये टूट गया. तो इस तरीके का ये इसका जो हैंडल है ये टूट गया है, तो काफ़ी अनकन्वीनियंट सा फील होता था इसको यूज़ करने में मुझे. तो इसको मैंने फिर अपने जो है दूसरा रेजिस्टेंस बैंड मंगवाया. ये है फैक्सी रेजिस्टेंस बैंड. तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमें लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो पांच आपको रेजिस्टेंस बैंड दिए हुए हैं, जिसमें कि 10 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. मोर और लेस आपको मैं बता दूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, कि ये जो 10 पाउंड्स हैं ये आपका इक्वलेंट टू 4.5 केजी यानी 4.5 किलो का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. यानी कि तरीके से आप वेट समझ सकते हैं कि वेट आपको 10 LBS का 4.5 किलो के अराउंड मिलेगा. टोटल अगर हम देखते हैं तो ये 150 पाउंड्स का जो है आपको रेजिस्टेंस देगा, यानी कि 82.5 केजी. इसमें एक्स्ट्रा डाइट, लाइट, मीडियम, हैवी और एक्स्ट्रा हैवी आपको ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं. इस टाइप का एक पाउच आता है इसमें, जैसे कि आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ये इसमें आपको बकल्स दिए हुए हैं, ये आपका डोर एंकर, ये सेकेंडरी बकल और ये आपका रेजिस्टेंस बैंड है. बेसिकली एक जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस रेजिस्टेंस बैंड में वो मैं आपको बता देता हूँ. इसमें प्रॉपर एक टैग दिए हुए हैं जिन पे कि प्रॉपर मेंशन्ड है कि कितना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा है. जैसे आप देख सकते हैं कि 50 LBS का ये एक रेजिस्टेंस का टैग दिया हुआ है, ये 20 LBS. सिमिलरली देखें तो ये 40 LBS, 30 एंड 10 LBS का इस तरीके से दिया गया. इसमें हम देखें तो सबसे जो हैवी जो दिया गया 50 LBS का दिया गया है रेड. तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिजिड लग रहा है. और इसके जो बकल्स हैं, इसका एक्चुअली मैं डोर एंकर का आपको जरूर बताना चाहूँगा. डोर एंकर एक्चुअली मेरे पुराने रेजिस्टेंस बैंड का टूट गया था, जो कि आपको शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि इसमें एक रेजिस्टेंस बैंड कम भी है, क्योंकि इसमें हमने जो एक मेरा सबसे छोटा सबसे लो लेवल का जो रेजिस्टेंस बैंड था, ये येलो कलर का था, वो मेरा वर्कआउट करते हुए टूट गया था. जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते भी होंगे. तो ये डोर एंकर का आपको मैं यूज़ बताऊँगा, वो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं. रिजिड है काफ़ी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है. और सेकंड थिंग, एक मेरे को ये भी काफ़ी अच्छी लगी. डिफरेंस देखिए इन दोनों में, कितना डिफरेंस है. दोनों के बकल्स में काफ़ी डिफरेंस दिया गया. तो देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है देखने में भी. एल्युमिनियम का है, इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, जो कि थोड़ा अनकन्वीनियंट भी होता है लगाने में. तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसके काफ़ी बेटर है ये पहले से, मेरे पुराने बैंड से. तो डोर एंकर का आपको यूज़ बताता हूँ मैं. तो दोस्तों, ये डोर एंकर है, इसको हम इस तरीके से किसी भी गेट में ईजीली इस तरीके से फंसा सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट को इस तरीके से प्लेस करके इक्वली प्लेस करना होगा आपको, क्योंकि दोनों गेट के बाहर हैं, इक्वल रहें, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो गाइस, ये है हमारा फैक्सी रेजिस्टेंस बैंड. इसके साथ एक इस टाइप का एक कैटलॉग मिलेगा, जिसमें कि आपको सारी वर्कआउट्स बताए गए हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर. तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. और एक सिमिलरली एक ट्रेनिंग गाइड दी गई है,
तो फ्रेंड्स ये था फैक्सी रेजिन ब्रांड का एक अनबॉक्सिंग, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मैं आपको यूजेज के बाद बता पाऊंगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, बाय बाय।